सुबह के बाद शाम, धूप के बाद शाम, ये सब कुदरत के नजारे हैं। और पैसे तो वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। जो लोग छोड़ के गए हैं वो सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। आप देखना, 6 महीने के बाद वो ऐसे दर दर के ठोकरे खाएंगे, उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। राजा तो राजा होता है, चाहे साम्राज्य छोटा हो चाहे साम्राज्य बड़ा। उन्होंने डिप्टी सीएम का पद जरूर ले लिया, लेकिन वो डिप्टी सीएम के लायक नहीं थे। वो इस पार्टी में होते थे, चौटाला साहब ने भी कहा था कभी ना कभी सीएम होते। अगर उन्होंने इस पार्टी का बंटाधार नहीं किया होता तो आज हरियाणा में इनेलो की सरकार होती। मेरी अपनी सोच है कि अगर ये परिवार आज भी इकट्ठा हो जाए तो ये हरियाणा की सबसे बड़ी ताकत है। जनता ने उसको नकार दिया, जनता ने पैसा नहीं चुना, जनता ने अपना सेवक सुना। खान ठिकान थोड़ अब तक नहीं छोड़। हरियाणा में कहा होता कि ठोड़ बड़े पत्थर भारी। पार्टी को बड़े बड़े नेता छोड़ गए, लेकिन बड़े बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने से कभी पार्टी खत्म नहीं होती। लोग कहते हैं इन लोग का दिन बीत चुके। पुराने तो हमारे माँ बाप भी बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको छोड़ जाएंगे। पुरानी 100 दिन नई 9 दिन, ये भी कहावत आपने सुनी होगी। फिल्म स्टारों के साथ इतने संबंध कैसे कैसे? उनको कुछ ना कुछ हमारे अंदर भी लगता होगा, हमारे परिवार के अंदर लोगों से मिलकर उनको कहीं अपनापन का एहसास होता होगा। आपके घर पे अक्सर देखे जाते हैं, एक को कप्तान रुक के जाते हैं, बड़े बड़े जो टॉप रिपोर्टर आज देश के, ये तो सिर्फ एक अपनापन होता है। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। हरियाणा न्यूज 24 ऑफ सभी का स्वागत है। मैं हूं नलमा, मेरे सभी प्रिंस लामा के साथ हम मौजूद हैं भिवानी, और हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, युवा इनेलो के सह प्रभारी नरेंद्र राज गागड़वास। तो नरेंद्र राज गागड़वास जी, आपका हरियाणा न्यूज 24 बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद लंबा साहब, नमस्कार सभी साथियों। नरेंद्र जी, आपसे सीधा मुद्दे पे आते हैं हम आपके साथ। आपको क्या लग रहा है, बड़े बड़े जो नेता थे, छोटे कार्यकर्ता थे, लगभग पार्टी छोड़ चुके हैं, इन लोगों को जेजेपी में चले गए, परंतु आपने अब तक क्या बोलते हैं देश के बारे में, ठाण ठिकान थोड़ अब तक नहीं छोड़ी, तो क्या 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 वजह? देखिए लंबा साहब, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हो, आपने भी कहावत सुनी, हरियाणा में कहावत है कि ठोड़ पड़े पत्थर भारी। तो जो इंसान वफादार होता है और जो इंसान विश्वास के लायक होता है, उस इंसान की कीमत हर जगह बनती है। पार्टी को बड़े बड़े नेता छोड़ गए, लेकिन बड़े बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने से कभी पार्टी खत्म नहीं होती, क्योंकि ये जो पार्टी है ये चौधरी देवलाल का लगाया हुआ पौधा है। और चौधरी देवलाल कोई मामूली शख्सियत नहीं थे, वो पूरे हिंदुस्तान के किसानों के दिलों पर राज करते थे। उन्होंने इस पौधे को लगाया था। आज ठीक है, कई बार हमारे मौसम में पत्ते जड़ाता है तो पत्ते जड़ जाते हैं। मैं मानता हूं कि इनेलो के भी कुछ पत्ते जड़े, लेकिन पत्ते जड़ने से, पत्ते जड़ने के बाद दोबारा जब अच्छा समय आता है तो वही पत्ते हरे हो जाते हैं। तो मेरी यही सोच है कि इंसान की वफादारी की कीमत होती है, इंसान को वफादार रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपने किसी का विश्वास जीत लिया वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। तो नरेंद्र जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, क्या खासियत रही इस पार्टी में आपको? वो छोड़ के जा चुके, आप भी जा सकते थे जी, वो अच्छी मलाई खा रहे हैं उन पार्टियों में जा जाके, अच्छा रसूख बना रखा है उन्होंने, अच्छा पकड़ है वहाँ पे लोग प्रशासन पे, लोगों पे काम करवा रहे हैं, और आप वहीं किसी पीटी पार्टी में पड़े हैं पुरानी में। हम कहेंगे, लोग कहते हैं इन लोग का दिन बीत चुके, लेकिन आपका क्या मतलब, क्या ये मैं समझ में नहीं आया, आप इतने वफादार कैसे? क्या वास्तव में ही कुछ अभी छोटा के साथ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ कोई विशेष लगाव लग रहा है मुझे आपका इस सिचुएशन में? आपसे पुराने जो नेता थे जिन्होंने लाइफ में इतना मान सम्मान दिया इस पार्टी ने, इनेलो पार्टी ने, उन लोगों को इतने शीर्ष पदों पर रखा, उनका इतना मान सम्मान बढ़ाया पूरे भारतवर्ष में, यहाँ तक कि हरियाणा को छोड़ो आप, वो लोग भी चले गए, परंतु आप अब भी यहाँ सीधे रहे, तो कोई तो ऐसी खास वजह है? ये रूटीन की बातें तो नहीं हो सकी, कोई अंदरूनी बात हो सकती? देखिए लंबा साहब, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आपने बोला कि ये पार्टी पुरानी हो चुकी है, पुराने तो हमारे माँ बाप भी बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको छोड़ जाएंगे। पुरानी 100 दिन नई 9 दिन, ये भी एक कहावत आपने सुनी होगी। और रही बात पार्टी के कमजोर होने की, तो ऐसी कोई पार्टी नहीं रही आज तक जो कभी कमजोर ना हुई हो। आज अगर आप कांग्रेस की हालत देखोगे, दिल्ली में जो कांग्रेस की हालत है, वो कांग्रेस की हालत इतनी कमजोर है कि उसका कहीं फिल्म में कहीं जिक्र भी नहीं है, और जबकि वो देश की बहुत बड़ी पार्टी। अगर आप भाजपा की बात करें, हरियाणा में जब 2014 के चुनाव हुए, उससे पहले जब भी चुनाव होता था तो भाजपा की कोई टिकट लेने वाला नहीं होता था। भाजपा एक बहुत ही घिसी पिटी पार्टी थी। ये भाजपा के नेता जब सामने से आते थे तो लोग इनसे नजरें चुरा लेते थे कि ये टाइम खराब करेंगे। तो अब उनका भी समय आ गया, तो इसलिए समय बदलाव है,
सुबह के बाद शाम, धूप के बाद छांव, ये सब कुदरत के नजारे हैं। और प्यासे तो वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। तो ये सब भाग्य के लेख होते हैं और समय बदलता रहता है। इंसान को नहीं बदलना चाहिए, मौसम बदलता रहता है, लेकिन इंसान की फितरत नहीं है कि बार बार बदले। कोशिश यही करनी चाहिए इंसान को कि जहां है वहां रहे, मेहनत करें, प्रयास करें, सफलता अपने आप मिलेगी धीरे धीरे। रही चौटाला साहब की बात, अभय सिंह जी की बात, चौटाला साहब एक बहुत ही लोक पुरुष व्यक्ति, उन्होंने जितना संघर्ष अपनी लाइफ में किया है, बहुत ज्यादा संघर्ष किया। अभय सिंह जी के साथ हम जुड़े हुए हैं, वो एक सत्य के परिचायक है। अभय सिंह जी के साथ आज जितने भी लोग खड़े हैं, आप ये मान के चलो कि वो सारे के सारे लोग उनकी सच्चाई की ताकत के ऊपर खड़े हैं। और इंसान के साथ जब कोई बुरा समय आता है, बुरे समय में अगर आप किसी के साथ रहते हो तो आपकी गिनती होती है। अच्छे समय में तो भेड़चाल हमारे हरियाणा में बहुत है, लेकिन वो जो लोग छोड़ के गए हैं वो सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। आप देखना, 6 महीने के बाद वो ऐसे दर-दर की ठोकरें खाएंगे, उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। आज सिर्फ वो झंडे लगा के खुश हो रखे हैं कि हम सरकार में दोबारा आना चाहे, फिर वो हमारी पार्टी में दोबारा आना चाहे। तो देखिए, मेरी इतनी बड़ी हैसियत नहीं कि मैं ये बड़ी बात बोल दूं, क्योंकि चौटाला साहब पार्टी के सुप्रीमो है, अभय सिंह जी पार्टी के बड़े नेता है, वो फैसला करेंगे अगर वो दोबारा आना चाहें तो। बाकी मेरी अपनी सोच है कि अगर ये परिवार आज भी इकट्ठा हो जाए तो ये हरियाणा की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि आज भी अगर ये परिवार इकट्ठा होकर चुनाव लड़ता तो 50 से ज्यादा सीटें इंडियन नेशनल लोक दल की थी, भाजपा के तो ये 40 तब आई है जब लोग 75 का नारा लगा रहे थे। अगर लोगों को ये पता होता कि 40 सीटें आएंगी तो इनकी 20 भी नहीं आती। और रही बात इनेलो की टूट, वो इसका सबसे बड़ा कारण बनी। अगर इनेलो एक होकर लड़ती तो हरियाणा में चीफ मिनिस्टर आज इंडियन नेशनल लोक दल का होता, ये एक सच्चाई की बात। नरेंद्र जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा। चलो ठीक, अच्छी बात है, लोग तो मौका प्रस्त होते हैं, सभी अक्सर देखा जाता है जिधर सत्ता होती है उधर ऑटोमेटिक गुलटी मार जाते हैं, वो गिरगिट वाला रंग होता है उनका, दिखाते कुछ नहीं, कहते कुछ। नरेंद्र जी, हम राजनीति को छोड़िए, आपके फिल्म स्टारों के साथ इतने संबंध कैसे कैसे है, यानी कि इस क्षेत्र के, ऐसा नहीं है कोई एक हीरो को ले लो आप, भाई चलो राज बब्बर के साथ आपके संबंध, वो भी ऐसा भी नहीं है, अमिताभ बच्चन से लेके, धर्मेंद्र से लेके, और छोटे जो स्टार हैं संजय दत्त, सलमान खान, आदित्य पंचोली वगैरह जितने भी स्टार हैं आपके घर पे आते रहते हैं, आप वहां जाते रहते हैं, तो ये गुडविल कैसे ही? कभी आप पहले हीरो तो कभी फिल्मों ट्राई तो नहीं किया आपने, या कभी इच्छुक तो नहीं है हम कभी स्टार बनेंगे या उनके साथ कोई फिल्म बनाने की आपने कोई सोचा हो, या फिर इस तरीके से फिल्म लाइन में आप एक राजनीतिक हैं जी, और राजनेता एक अलग होता है, फिल्म लाइन अलग होती है, तो ये कॉम्बिनेशन कैसे? देखिए लंबा साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमारे घर आए तो हमारे लिए तो आप भी किसी स्टार से कम नहीं हो। और रही बात बड़े बड़े अभिनेताओं के घराने की, बड़े बड़े स्टारों की, तो वो हमसे कहीं बेहतरीन इंसान है, और वो अच्छे इंसान है, बड़े इंसान है, और वो बड़े तब बने हैं जब उनकी सोच बड़ी रही है, क्योंकि इंसान बड़ा वही बनता है जिसकी सोच बड़ी होगी। और वो बड़े बने हैं तो वो किसी के घर आते हैं, तो इसका मतलब आप ये मान के चलो कि उनकी सोच IQ हमारे से बहुत ज्यादा तेज होगी। उनको कुछ ना कुछ हमारे अंदर भी लगता होगा, हमारे परिवार के अंदर लोगों से मिलकर उनको कहीं अपनापन का एहसास होता होगा, एक विश्वास झलकता होगा, एक ईमानदारी वफादारी झलकती होगी, तभी वो हमारे पास आते हैं। बाकी ज्यादा बेहतर तरीके से तो वही बता सकते हैं कि वो हमारे अंदर ऐसी क्या खास बात देखते हैं कि वो हमारे पास आते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अपने घर पे जो भी आता है, हमारे संस्कारों में एक बात है कि घर पे जो आदमी आता है उसकी जितनी इज्जत करोगे, जितना आप दिल से वफादारी से बात करोगे, वो इंसान आपका अपने आप हो जाएगा। इसलिए इंसान को एक ईमानदारी, वफादारी और विश्वास के साथ आप चलिए, आपके रिश्ते अपने आप बनते चले जाएंगे, यही हमारी सोच है। नरेंद्र जी, फिल्म लाइन को छोड़ देते हैं जी, आपके पास सभी रिपोर्टर देखे जाते हैं, आज तक के बड़े रिपोर्टर हैं, जी न्यूज के रिपोर्टर हैं, जनता टीवी के रिपोर्टर हैं, तो दिल्ली बैठते हैं बड़े बड़े, वो आपके घर पे अक्सर देखे जाते हैं, एक वक्त हफ्ता रुके जाते हैं, बड़े बड़े जो टॉप रिपोर्टर आज देश के, तो ये लाइन, चलो फिल्म लाइन की आपने बता दी, तो इस बारे में और खुलासा कर दीजिए, उनके साथ भी अच्छे संबंध है, अक्सर चर्चा के विषय बना रहता है, आज फलाना रिपोर्टर, आज बड़ा रिपोर्टर, आज जो महिला रिपोर्टर, बहुत भी आपके घर पे रह के जाती है एक हफ्ते तक जी। लंबा सा वैसा है, देखिए आप भी हमारे घर आते हो, आप भी एक बड़े रिपोर्टर हो, आप अगर दक्षिण हरियाणा में अगर आपका नाम कहीं पूछोगे तो हर जगह बता देंगे। कल को ये पर्सन कोई मेरे से पूछेगा कि लंबा साहब आपके घर आते हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा? ये तो सिर्फ एक अपनापन होता है। आप भी हमारे घर आते हैं, आप भी एक बड़े रिपोर्टर हैं, कोई नहीं, कोई इंसान किसी टाइम पे छोटी लाइन में काम करता है, कोई बड़ी लाइन में काम करता है, राजा तो राजा होता है, चाहे साम्राज्य छोटा हो चाहे साम्राज्य बड़ा हो। इसलिए जो भी अपने पास आते हैं उनको कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि हाँ, इनके अंदर अपनापन है। आप किसी को पैसे में नहीं खरीद सकते,
पैसे में किसी से डांस करवा सकते हो, पैसे में किसी को आप ब्याह शादी में बुला सकते हो, पैसे से आप रिश्ते नहीं बना सकते, पावर से आप किसी को नहीं चुका सकते। आप केवल आपके पास ऐसी चीज वफादारी, इंसानियत, ईमानदारी ऐसी चीज है जिससे आप किसी का दिल जीत सकते हो। और हम तो ये सोचते हैं कि हमारे अंदर, मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई खास बात है। अब वो इतने बड़े लोग हैं, वो क्या सोचते हैं वो तो वही बता सकते हैं ज्यादा बेहतर तरीके से। नरेंद्र जी पार्टी पे आ जाते हैं, अभी कुछ दिन बाद आपके पार्टी के प्रोग्राम चलने वाले हैं, युवाओं को क्या आपके नाम भी रखा है, क्या नाम रखा है, तो किस तरीके से क्या देख रहे हैं, कैसे जाएंगे, क्या प्लान रहेगा इनेलो पार्टी का आपका, किस तरीके से लोगों के बीच में क्या आपने वो बनाई, आप इस प्रभारी हरियाणा प्रदेश के और आप पहले चुनाव भी लड़ सके, शायद ये पार्षद के पार्षद भी रह चुके हैं आप। जी अभी मैं वर्तमान में जिला पार्षद हूँ और अभी हमने करण चौटाला जी से मेरा विचार विमर्श हुआ है, वो हमारे यूथ के राष्ट्रीय प्रभारी हैं और मैं उनके साथ सह प्रभारी हूँ, तो हमने अभी कार्यक्रम बनाए हैं। चौधरी अभय सिंह जी ने भी हमारी जिम्मेवारी लगाई है कि आप पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में जाइए और पूरे हरियाणा प्रदेश के युवा संगठन को खड़ा करने की जिम्मेदारी दोबारा से मजबूती से। हालांकि हमारा संगठन आज भी इनेलो पार्टी का जो संगठन है वो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा संगठन माना जाता है, लेकिन हमारी जिम्मेवारी है कि कैसे हम आज से एक डेढ़ साल पहले जैसे माहौल था कि हरियाणा में इनेलो की सरकार आएगी, कैसे उस माहौल को दोबारा पैदा करना है, उसके लिए मैं, करण चौटाला जी और हमारे यूथ के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं। हम तीनों जो है हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, हर हलके में जाएंगे, हर गांव में जाएंगे और एक कार्यक्रम चलाएंगे युवा चला गांव की ओर, जिसमें हम गांव में जाएंगे, युवाओं को हमारे साथ जोड़ेंगे और आप देखना विश्वास के साथ आने वाले 6-7 महीने में ही आपको इसका जो है रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा कि इनेलो के अंदर जो युवा चेहरे हैं वो दोबारा से बड़े बड़े चेहरे दोबारा से इनेलो में वापसी करेंगे। एक खास बात पूछना चाह रहा हूँ आपसे, सोच समझ के जवाब दीजिए इस बात का। जी जी अभी चौटाला अक्सर बोलते हैं कार्यकर्ता को डराते हैं, अपने नेताओं को डराते हैं, झिड़क के भगा देते हैं, सच्ची बताना पूरा हरियाणा प्रदेश देख रहा है आपको कितनी बार डराया अभी चौटाला। देखिए मैं आपको बहुत ही ईमानदारी के साथ बताता हूँ कि मैंने भी ये बातें कई लोगों से मुंह से सुनी, लेकिन आज तक अभय चौटाला जी ने मेरे सामने तो किसी को मैंने धमकाया हुआ नहीं देखा। और आप ये मान भी लीजिए अगर मुझे ही धमकाते तो मैं आज पार्टी में क्यों रहता। अगर वो ऐसे ही लोगों को धमकाते तो ये जो लोग आज पार्टी के पीछे इनेलो जिंदाबाद के नारे लगाते चल रहे हैं, अभय चौटाला जिंदाबाद के नारे लगाते चल रहे हैं, ये लोग आज क्यों मिलते। अगर आपको मैं धमकाऊंगा तो आप दोबारा मेरा इंटरव्यू करने थोड़ी आओगे। तो मैं अगर अभय चौटाला जी की पार्टी में हूं, अगर वो मुझे धमकाएंगे तो मैं उनकी पार्टी में कैसे रहूंगा। इसलिए ये सब एक मिथ्या प्रचार है, विपक्ष को कोई ना कोई प्रचार तो चाहिए, ये सिर्फ उन्होंने प्रचार का बहाना है। अभय चौटाला जी से आपने भी उनका इंटरव्यू किया है, आपने बड़े बड़े नेताओं का भी इंटरव्यू किया है, लेकिन आपने देखा होगा कि उनकी भाषा शैली में ऐसी कहीं सोच नहीं है। इतना जरूर है कि जो इंसान सच्चा होता है उसको थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है, ये एक नेचुरल सी बात उनके ऊपर नहीं हर इंसान के ऊपर लागू होती है, क्योंकि झूठा इंसान बात को हंसकर टाल देता है, सच्चा इंसान थोड़ा सा गुस्सा कर देता है, और ऐसा कुछ नहीं है। चलो नरेंद्र जी एक बात और जानना चाहूंगा, आपके पिताजी विराज गागड़वास काफी सक्रिय हैं, उनके भी अच्छे संबंध लोगों से, तो क्या लग रहा है आने वाले समय में आपके पिताजी चुनाव लड़ेंगे या आप चुनाव लड़ेंगे। देखिए तो आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया लंबा साहब, लेकिन ये भविष्य के गर्भ में है ये बात, क्योंकि आज नहीं तो मैं इस बात के बारे में बता सकता हूँ कि चुनाव मुझे लड़ना है या पिताजी को लड़ना है, और नहीं पिताजी बता सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें समय के ऊपर डिपेंड करती हैं। समय बहुत बड़ा बलवान होता है, समय पता नहीं किस करवट किसका का बैठ जाए ये हम नहीं कह सकते। ये भविष्य के बात में है कि भविष्य बताएगा कि कौन चुनाव लड़ेगा, चाहे चुनाव वो लड़ो चाहे चुनाव मैं लड़ू, बात एक ही है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, लेकिन ये भविष्य के हाथ में बात है, इस बारे में मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकता। आप एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। जी जी चौधरी धर्मवीर सिंह जी हमारे जो MP हैं, जी जी वो आपके फूफा जी लगते हैं। जी मेरे फूफा जी, तो उसके साथ कभी दिखाई नहीं दिया, वजह क्या है, अलग पार्टी है ये वजह है या फिर जैसे घरेलू संबंध तो सही अच्छे होंगे। नहीं देखिए चौधरी धर्मवीर सिंह जी मेरे फूफा जी हैं और वो मेरे लिए बहुत आदरणीय है, और ऐसी बात नहीं है कि मैं उनके साथ दिखाई नहीं दिया। मेरे पिताजी ने जब पार्टी बदली 2008 में, उससे पहले मैं उनके साथ हर चुनाव में दिखाई देता था। अब पार्टी अलग होगी इसलिए हमारे पारिवारिक रिश्ते पहले जैसे थे वैसे ही आज हैं, और वैसे भी देखिए आपके घर में अगर आप 5 भाई हो तो कोई भाई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मजदूरी भी करता होगा, कोई ठेकेदारी करता होगा, कोई राजनीति करता होगा, काम सबके अलग अलग होते हैं। तो हमारे साथ सिर्फ यही बात है कि उनकी पार्टी अलग है हमारी पार्टी अलग है, बाकी मेरे लिए वो पहले भी आदरणीय है आज भी आदरणीय है और हमेशा मेरे लिए वो मेरे पिता के तुल्य है, मेरे लिए वो हमेशा सम्माननीय है और सम्माननीय रहेंगे। चलो राजीव अच्छी बात है,
एक बात और जानना चाहता हूँ आपसे, कितने तक पढ़ाई की आपने? जी मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद LLB की पढ़ाई कर रखी है। तो नरेंद्र राज और राज गगडवास के एक ही लड़के? नहीं दो, मेरा छोटा भाई भी है। वो क्या कर? वो अपना बिजनेस कर रहा है खुद का। तो आपकी शादी तो हो चुकी? जी मेरी शादी हो चुकी है, मेरे पास दो बेटी है। तो क्या वाइफ को कभी राजनीति में लेके आना चाहेंगे? नहीं ऐसी कोई इच्छा नहीं है। क्या नाम होगा? सुनंदा। सुनंदा यानी कि हम राजनीति करेंगे, वाइफ को नहीं? नहीं अगर देखिए अगर कोई सर्कमस्टेंसेज ऐसे बन जाते हैं कि कोई महिला की सीट है या महिला आरक्षित सीट है तो वो भविष्य की बात है, लेकिन पहले कोई नहीं सोच सकता कि किसको राजनीति में आना है किसको नहीं आना है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में आऊंगा, लेकिन उस टाइम पे जिला परिषद के चुनाव आए तो लोगों ने मुझसे कहा कि भाई जिला प्रमुख खड़ा है वो पैसे के दम के ऊपर चुनाव जीतना चाहता है तो आप चुनाव लड़िए, तो मुझे चुनाव लड़ना पड़ गया और जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया। मुझे पहला चुनाव जिला परिषद का लड़ा आपने? जी मैंने। कैसा रहा चुनाव, अनुभव कैसा रहा? जी बहुत अच्छा अनुभव रहा। जिला परिषद के चुनाव में मैंने जब लड़ा तो मेरे सामने मेरे से बहुत सीनियर नेता थे, राजवीर फटिया उस टाइम के जिला प्रमुख थे, राजवीर बच्ची पहले जिला प्रमुख रह चुके थे, कैबिनेट मंत्री रामविलास जी के भांजे थे, तो मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और जब चुनाव बीच में आया तो मुझे लगा कि कहीं मैंने गलत पंगा तो नहीं ले लिया कि जिला परिषद के चुनाव से शुरुआत है और इसमें मैं हार गया तो कहीं ना कहीं एक प्रश्नचिन्ह लग जाता है भविष्य के ऊपर। लेकिन मैंने देखा कि चुनाव में पैसा के दम के ऊपर चुनाव जीतने की कोशिश करी मेरे सामने जो उम्मीदवार थे उन्होंने, लेकिन जनता ने उसको नकार दिया। जनता ने पैसा नहीं चुना, जनता ने अपना सेवक चुना और मुझे इस चुनाव से काफी अनुभव हुआ। बहुत चुनाव जीतते आप तो काम करना चाहते थे, चुनाव जीत के क्या लोगों के आशाओं पे 5 साल में खरी उतर पाए, 2-3-4 साल जो भी हो? देखिए ये तो मैं लंबा साहब आपको बहुत स्पष्ट बता पाऊंगा, इतनी परिषद के पास इतनी वो पावर नहीं होती, क्राइटेरिया होता उसका, उससे बाहर नहीं निकल सकता, जो करना चाहता वो कर नहीं सकता। जी ये आपने बहुत ही कड़वा सच बोला है कि जिला परिषद के सदस्य के पास हमारे जो संविधान में है, खासकर मैं हरियाणा मानूंगा क्योंकि राजस्थान जैसे स्टेट ऐसे हैं, महाराष्ट्र जैसे अधिकारी उसके पास भी इतनी पावर नहीं होती। अभी चौटाला नांगल चौधरी के विधायक का मैं कुछ दिन पहले इंटरव्यू कर रहा था जी। उन्होंने चुनाव लड़ने का एक खास कारण बताया, IAS अधिकारी चंडीगढ़ बैठते थे, उनके दिल में SC-30 थी नांगल चौधरी नानोल को लेके, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। इतने बड़े अधिकारी चंडीगढ़ बैठने वाले IAS अधिकारी, उसके बाद मुझे चुनाव में मजबूरी में उतरना पड़ा कि चुनाव लड़ूंगा नेता बनूंगा तो इन कामों को सिरे चढ़ा सकता हूँ, और उन्होंने नेता बनते वो काम सिरे चढ़ाई भी, लेकिन IAS अधिकारी रहते हुए नूल में कभी नहीं करवा पाता। नहीं ये उन्होंने बहुत ही सच्चाई की बात बोली, और मैं भी ये मानता हूँ कि जिला परिषद के तहत जो मुझे मेरी इच्छा थी काम करने की, जो मैं चाहता था कि मैं हमारे एरिया में ये बदलाव लाऊं या ये चीज का लोगों को अलग से कुछ काम करवा सकूं, उस उम्मीदों पर मैं नहीं लगता कि मुझे मैं खरा उतर पाया हूं। क्योंकि जिला परिषद के पास एक तो पावर कम होती है, सारी की सारी पावर चेयरमैन के पास आ जाती है, दूसरी बात हमारी पार्टी सत्ता में नहीं थी। आजकल हर जगह बंदरबाट है, सत्ता के लोग हैं उनको आप ग्रांट दे देते हो, विपक्ष के लोग हैं, मैंने तो जिला प्रमुख का चुनाव भी लड़ा था तो इसलिए मैं तो निशाने पर था। हालांकि मैंने हमेशा सदन के अंदर हाउस के अंदर इस बात को जोर से उठाया कि विपक्ष का पार्षद को भी तो उसको भी उसके हिस्से का जो है ग्रांट जो उसको मिलने चाहिए, लेकिन सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और हम उतना विकास नहीं करवा पाए जितना हम चाहते थे, ये एक बहुत सच्चाई की बात है। लेकिन एक मजबूरी है क्योंकि लोगों के बीच में रहेंगे चुनाव लड़ेंगे तो ही लोगों के कुछ काम आ पाएंगे, ये जरूरी नहीं कि हम किसी की गली बनवा पाए किसी की टंकी बनवा पाए। मैं एक बात का विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे क्षेत्र ये है कितने लोगों को रोजगार दे पाए। हाँ रोजगार तो जिला परिषद के अधीन आप दे नहीं सकते किसी को, ये भी एक सच है, लेकिन मेरे पास मैं एक बात बताता हूँ कि पिछले 4 साल हो गए मुझे जिला परिषद का मेंबर बने, आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ये कह सकता हो कि मैंने नरेंद्र राज के पास फोन किया था मेरा फोन नहीं उठाया। अगर मैंने किसी का फोन नहीं उठाया होगा तो मैंने उसको दोबारा फ्री होने के बाद वापस फोन किया होगा, ये मेरा एक इतिहास है कि कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी का फोन नहीं उठाया, क्योंकि अक्सर लोगों की शिकायत नेताओं के प्रति यह रहती है कि ये फोन नहीं उठाते, तो इसलिए मैंने थोड़ा चेंज करने की कोशिश की। नरेंद्र एक बात और जानना चाहूंगा, मैं हजारों लोगों को हजारी नेताओं का कार्यकर्ताओं का इंटरव्यू करता आ रहा हूँ पिछले काफी वर्ष कई सालों से, ये आपका नाम का ये सिस्टम सभी जानना चाहते हैं हरियाणा प्रदेश के लोग। चलो ठीक है मेरा नाम मुन्ना लांबा, मेरे बेटे का नाम प्रिंस लांबा, तो ये आपने नरेंद्र राज, आपका नाम नरेंद्र है राज, आपके पिताजी का आगे लगाने का मतलब क्या सोचा, मतलब क्या दिमाग में आया आपके भाई, या फिर जैसे एक तो ये आपकी पहचान नहीं बन पा रही थी इसलिए हम राज पीछे लगा लेते हैं, राज के नाम से जानेंगे तो अपनी पब्लिसिटी मिल जाएगी और खुद के रेफरेंस पे काफी मेहनत करनी पड़ेगी, तो क्या क्या दिमाग में आया, क्या क्या? देखिए ऐसा है लंबा साहब, मेरे नाम के आगे जो मैंने मेरे पिताजी का नाम लगाया ये एक सम्मान की बात है। हमारे
भारत में भी ऐसे कई प्रदेश हैं जहां पर पिताजी का नाम आगे लगाने का एक चलन है, आप तो खैर महाराष्ट्र में भी है और भी कई जगह है, तो उनमें एक चलन है कि अपने पिताजी का सरनेम की जगह वो पिताजी का नाम आगे लगाते हैं। तो मैंने भी कई जगह देखा कि मेरे पिताजी ने इतनी पहचान बनाई है, हो सकता है वो विधायक नहीं बन पाए होंगे किसी वजह से, भाग्य में ना हो या कोई समय हालात ऐसे ना हो, लेकिन उनका जो नाम है वो किसी विधायक से भी कम नहीं है। तो उन्होंने जो नाम कमाया, मुझे ऐसा लगा कि उनके नाम को मैं मेरे नाम के आगे जोड़ूंगा तो मैं अपने पिताजी को और ज्यादा अच्छे तरीके से सम्मान दे पाऊंगा कि उन्होंने जो नाम कमाया उनका बेटा उनके नाम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो नरेंद्र जी एक बात और जानना चाहूंगा, चलो पिताजी का नाम बहुत अच्छी बात है, आपका दिल में इतने सम्मान अपने पिताजी के लिए, अक्सर आजकल देखा जाता है माँ और पिताजी सड़कों पर घूम रहे हैं, चाय की कॉपी तक मिल नहीं पाती, अनाथ आश्रम में रह रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में दिल्ली जैसे बड़े बड़े खाते पीते कर्नल एसपी डीएसपी जैसे रिटायरमेंट के बाद हार्ट बना रखे वहां रह रहे हैं, सैलरी दे के और सड़कों घूम रहे हैं, लेकिन आप जैसे लोग कहीं ना कहीं अच्छा मैसेज दे रहे हैं, ये भी बहुत खुशी की बात है। तो क्या अब आने वाले समय में धमाल मचाने वाले हैं और लोगों की सेवा यूं निरंतर जारी रखेंगे? जी बिल्कुल, देखिए हम 6 महीने के लिए लगातार पार्टी के संगठन को और पार्टी से पूरे यूथ को जोड़ने की दिल जो है कहते हैं ना दिल तोड़कर मेहनत करने का काम करेंगे, बाकी भविष्य के हाथ में है, युवा साथियों के हाथ में, हमारे साथ कितने साथी जुड़ पाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो काम दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला जी ने पार्टी में रहकर और आज पार्टी से अलग होकर, हालांकि उन्होंने डिप्टी सीएम का पद जरूर ले लिया लेकिन वो डिप्टी सीएम के लायक नहीं थे, वो इस पार्टी में होते थे, चौटाला साहब ने भी कहा था कभी ना कभी सीएम होते, अगर उन्होंने इस पार्टी का बंटाधार नहीं किया होता तो आज हरियाणा में इन लोगों की सरकार होती। इसलिए आज हमें दोगुना मेहनत करके इस पार्टी को दोबारा से उसी मुकाम पर लाना होगा कि हरियाणा में अगली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल की बड़े। तो आखिर में लोगों की क्या कहना चाहिए, क्या संदेश? देखिए लोगों से मेरा ये संदेश है कि जितनी भी हम सुबह घर से निकलते हैं तो हम ये सोचते हैं कि कोई ना कोई एक अच्छा काम करके घर में अंदर वापस जाएं तो हमारी आत्मा को भी शांति मिलती है, दिमाग को भी शांति मिलती है। इसलिए आप सिर्फ 3 बातें इंसान जिंदगी में अगर लागू कर लेता है तो वो इंसान कभी मार नहीं खाएगा। आप किसी के प्रति वफादार बन के देखिए, अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक देखिए, सोचिए, क्योंकि हम जितना समय दूसरों की कमी निकालने में खराब करते हैं ना उतना समय अगर हम अपनी कामयाबी के बारे में सोचें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए कभी किसी के बारे में नकारात्मक ना सोचें, अच्छी पॉजिटिव सोच रखें, ईमानदारी और वफादारी के साथ काम करें, भगवान आपके साथ हमेशा साथ देगा, जनता भी आपके साथ रहेगी और आपका भाग्य हमेशा जरूर कहीं ना कहीं आगे जाकर चमकने का काम करेगा। यही मेरे सभी लोगों से विनती है। तो हमारे साथ बातचीत के लिए बहुत स्वागत नरेंद्र राजी, आपने हमें इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद लांबा साहब, ये आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मेरा इंटरव्यू करें। तो हमारे साथ ये नरेंद्र राज गागरवत बने होते इनलो पार्टी के सह प्रभारी हरियाणा प्रदेश के और वर्तमान में जिला परिषद, और इनकी साफ कहना है पार्टी आने वाले चुनाव में कमबैक कर रही है और भारी जज्बे के जोश के साथ पार्टी इनलो वापस आ रही है और कुछ देर बाद ये एक मुहिम चला रहे हैं युवाओं के बीच जाके पूरे हरियाणा प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं और जोश के साथ हर युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे। तो मैं मुन्ना लंबा मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ हरियाणा न्यूज 24, नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हरियाणा न्यूज 24 जहां हर खबर मिले सच के साथ।